10 खतरनाक मिस ऑफ इंडियन भागीदारी जीने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख गाड़ी में आग लगाकर बैठ जाओ, फिर भी कार ब्लास्ट होने पर भी कैरेक्टर बैठा ही रहेगा। यहाँ मैं किसी भी एक कार को स्पॉन कर लेता हूँ, जल्दी से ब्लास्ट कर लेता हूँ और जैसे आग लग जाएगी मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा। यहाँ पे आग लग चुका है, जल्दी से बैठ जा। अरे बैठ जा भाई जल्दी से। ओके ये बैठ चुका है और देखते हैं अभी क्या होता है। ओके कार ब्लास्ट हो चुकी है। एक सेकंड हमारा कैरेक्टर तो नीचे उतरा ही नहीं है, तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है और कितना गजब दिख रहा है। क्या होगा अगर हम यही चीज बाइक के साथ करें? तो चलो देखते हैं। बाइक से आग निकाल दी और जल्दी से बैठ जाते हैं और ये मैं बैठ चुका हूं। अभी देखते हैं क्या होता है। ये तो नॉर्मल ही चल रही है लेकिन अभी तक ब्लास्ट। ओके ये ब्लास्ट हो चुकी है और भाई ये देखो कितना खतरनाक दिख रहा है। यार हमारा कैरेक्टर तो मर गया, सो ये मैं तो एकदम कंफर्म है। और अगला हम देखिए स्कॉर्पियो ब्लास्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं जल्दी से स्कॉर्पियो को स्पॉन कर लेता हूँ और ये स्पॉन हो चुकी है और इसके ऊपर मारते हैं मिसाइल और ये मैं मार चुका हूँ। यहाँ पे ब्लास्ट ही नहीं हुई, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा भाई, मैं तो इसको फोड़ के रहूंगा। AK-47 से मारते हैं और ये तो अभी तक भी ब्लास्ट नहीं हो रही है। और RPG घुसा देता हूँ लेकिन ये तो फटी नहीं रही है, तो ये मैं एकदम कन्फर्म है। अगला RGS टूल पे जेट लिखो, फिर हेलीकॉप्टर से ऊपर जाओ। यहाँ पे मैंने जेट लिख दिया और जल्दी से हेलीकॉप्टर को स्पॉन कर लेते हैं और ये मैंने हेलीकॉप्टर स्पॉन कर दिया। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ ऊपर और भाई यहाँ पे तो बहुत सारे जेट उड़ रहे हैं, सो ये मैं एकदम कंफर्म है। अगला देखिए आप एक बार कौन सी भी कार पर RGB कलर कर दो, उसके बाद आप दूसरा कलर नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से सुप्रा को स्पॉन कर लेता हूँ और ये मैंने इसको कर दिया RGB और अब देखते हैं दूसरा कलर होता है कि नहीं। और भाई सच में यार इधर दूसरा कलर नहीं हो रहा है, एकदम कंफर्म है। अगला अगर आप ब्लास्ट हुई किसी भी कार के फायर पर खड़े रहोगे तो आप जलोगे नहीं। तो हम फिर से सुप्रा को स्पॉन कर देते हैं और ये मैंने सुप्रा को स्पॉन कर दिया। फिर इसको ब्लास्ट कर देते हैं और ये मैंने पूरी गोलियों से इसको भर दिया और इसकी आग भी निकल चुकी है। ऊपर चढ़ जाते हैं और ये मैं चढ़ चुका और जल्दी से देखते अभी डैमेज होता है कि नहीं। और यहाँ पे जैसे ये फटी तब मुझे डैमेज हुआ, इसके आग से मुझे बिल्कुल डैमेज नहीं हो रहा, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। अगला मैं हम किसी भी तरह से न्यू अपडेट वाला हेलीकॉप्टर को फोड़ नहीं सकते। यहाँ पे मैंने हेलीकॉप्टर स्पॉन कर लिया और ये मैंने निकाल ली मिसाइल और जल्दी से इसको ब्लास्ट करते हैं। मैंने गोली मार दी। अरे ये कहाँ पे चला गया भाई, ये तो ब्लास्ट हुआ ही नहीं, ये सीधा उड़ी गया, नीचे आ चुका है। इसको मैंने गोली मार दी और ये फिर से उड़ गया, लेकिन ये AK-47 से जरूर ब्लास्ट होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी गोली मारी लेकिन इसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। अगला मैं हम सुप्रा का बैक बोनट तोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सुप्रा को स्पॉन कर लिया और इसको गोली से तो नहीं तोड़ सकते इसका बैक बोनट, हमें इसका एक्सीडेंट करना पड़ेगा। हमारी कार की बहुत ज्यादा स्पीड है और ये मैं ठोक चुका हूँ। ओके इसका बैक बोनट टूट चुका है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे गाड़ी से उतरने के बाद देखना पड़ेगा। ओके मैं उतर चुका हूँ, भाई ये देखो कितना ज्यादा बड़ा है, अभी तो मैं बहुत कुछ रख सकता हूँ, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। और अगला मैं आप स्विमिंग ग्लेज में आप गन नहीं निकाल सकते। स्विमिंग ग्लेज के लिए मुझे इस बाइक को पानी के अंदर लेके जाने पड़ेगा और मैं आ चुका हूं पानी के अंदर, जल्दी से उतरते फिर से बैठ चुका और जल्दी से बाइक को लेके जाते बाहर करते एग्जिट और हमारा ग्लिच वर्क हो चुका है और जल्दी से आप गन के ऊपर क्लिक कर। ये तो हो ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। अरे ले ले भाई गन, भाई मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी लेकिन हाथ में गन नहीं ले रहा है, सो ये एकदम कन्फर्म है। अगला मित्र अगर आप 4x0 डायल करो तो फिर हीरो प्लेजर आएगी। यहाँ पे मैंने 4x0 डायल कर दिया और अब देखते हैं भाई सच में ये तो हीरो प्लेजर आ गई, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, सो ये एकदम कन्फर्म है। अगला मित्र हम न्यू KTM का कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है पर हम उसका कलर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने KTM को स्पॉन कर दिया और देखते हैं इसका कलर चेंज होता है कि नहीं। अरे भाई इसका कलर तो सच में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से ट्राई करते हैं, नहीं इसका कलर चेंज नहीं हो रहा, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। और अगला मैं अगर आप RGS टूल में UI ऑफ लिखोगे तो स्क्रीन पर जितने भी बटन वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, UI ऑन लिखोगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने UI ऑफ लिख दिया है और देखते भाई अब क्या होता है, इस टिक के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। ओके भाई ये क्या हो गया भाई, जितने भी बटन वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है और कितना ज्यादा मस्त लग रहा है यार। मैंने जैसे UI ऑन लिखा ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। अगला में देखिए अगर आप 8811 डायल करके जो गाड़ी आती है उसका स्पीड मीटर काम करता है। अभी मैंने 8811 डायल कर दिया और हमारी फरारी आ चुकी है और इसका स्पीड मीटर सच में काम करता है। देखो जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ये आगे आगे जा रहा है और जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ ये पीछे भी जा रहा है, सो ये एकदम कन्फर्म है। और अगला मित्र जो ट्रेन के पास जो लैड है उसके ऊपर हम चढ़ जाए तो जॉम्बी हमें मार नहीं सकते। अभी मैंने जॉम्बी का चिट कोड लगा दिए और ये जॉम्बी स्पॉन हो चुकी है और जल्दी से मुझे जाना है इसके ऊपर। और भाई ये तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, सारे जॉम्बी मेरे पीछे आ चुके हैं। इस लैडर के ऊपर मैं जैसे ही चढ़ूंगा भाई देखते अब क्या होता है, सच में ऊपर नहीं आ पा रहे, जॉम्बी से बचने तो यहाँ पे आ जाना। वो देखो मेरा नीचे के सब वेट कर रहे हैं लेकिन मैं तो नीचे जाऊंगा ही नहीं, सो मैं एकदम कन्फर्म है। अगले मित्र 9000 वाले बाइक को स्पॉन करो, कैमरा एंगल चेंज करो, उसका स्पीड मीटर रोबोट की तरह दिखता है। अभी मैंने 9000 डायल कर दिया और ये हमारी स्प्लेंडर स्पॉन हो चुकी है, स्पीड मीटर तो सच में रोबोट की तरह दिखता है, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। अगले मित्र हेलीकॉप्टर में डोर नहीं होता लेकिन डोर का एनिमेशन करता है। यहाँ पे मैं 8000 डायल कर देता हूँ और ये आ चुका है हमारा हेलीकॉप्टर, के अंदर डोर नहीं है लेकिन बैठ के देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं बैठ चुका और भाई ये सच में वैसे एनिमेशन कर रहा है जैसे कि डोर को ओपन कर रहा है। मैं उतरता हूँ और ये देखो फिर से वही एनिमेशन कर रहा है, सो ये मैं एकदम कन्फर्म है। अगला मैं RGS टूल में कार वॉश डालो फिर देखो मैजिक। यहाँ पे मैंने कार वॉश डाल दिया और ये मैंने टिक के ऊपर क्लिक कर दिया, अरे लेकिन यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, एकदम बस्टेड है।
केस वीडियो खत्म हो चुका है, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपके पास भी कोई मित्र तो कमेंट कर देना यार। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।